तो हाँ जी दोस्तों, आज की इस वीडियो से आप सभी को पता चलेगा कि अगर आपके पास 50,000 का कैपिटल है तो आप उसको कैसे एफिशिएंटली यूज करो जिससे कि आपका जो कैपिटल है वो ग्रो हो। आज की इस वीडियो में आप सबको 6 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपके जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग में। इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखना, मैं आपको पीसी के स्क्रीन पर चल के समझाता हूँ कि कैसे आपको क्या करना है और कौन से पॉइंट पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल को पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को लाइक आप बाद में भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो, लेकिन सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर आप सभी को ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तो देखो, जो आपका कैपिटल रहेगा वो 50,000 रहेगा। अब कुछ रूल्स हैं यहाँ पर जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, लेकिन अब आपको इसको पढ़ के नहीं भाग जाना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप अच्छे से ट्रेड ले पाओगे। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि आपको 3 से 4 लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, वो भी एक दिन में, ठीक है। और इसके बगल में लिख दिया है मैक्स 50%। अब कभी कदार क्या होता है कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है। मैं आपको जैसे यहाँ पर एक ट्रेड चल रहा है कोई दिखाता हूँ, यहाँ पर एक डबल बॉटम भी बनने वाला है, फाइबोनाची से भी एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और 100 EMA से भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ करते हो, यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलने के चांस ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप ज़्यादा लॉट ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आप अपने कैपिटल का 50% से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। लेट सपोज आप आज मान लो, आज थर्सडे है, आज एक्सपायरी है, ठीक है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो मान लो वेडनेसडे है और आपको एक एक लॉट आपको 1,000 में, 15-1500, 2-2000 में मिल रहे हैं आउट ऑफ मतलब एट द मनी, तो आप क्या कर सकते हो, आप अच्छा खासा लॉट खरीद सकते हो, ठीक है, 10-12 लॉट खरीद सकते हो, कभी कदार और भी ज़्यादा खरीद सकते हो, ठीक है। अगर आप 2-2.5 बजे के आसपास आ रहे हो तो बहुत सस्ते एट द मनी प्रीमियम मिलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आप 50% तक का यूज़ कर सकते हो अपना कैपिटल, जिससे कि आप बड़ा प्रॉफिट बना पाओ। देखो, ट्रेड में आप भले ही छोटे छोटे प्रॉफिट कर रहे हो, लेकिन जिस दिन आप बड़ा प्रॉफिट बुक करने लगोगे, आप उसी दिन प्रॉफिटेबल हो पाओगे। आप छोटा प्रॉफिट करोगे, फिर छोटा लॉस कर दोगे, फिर छोटा प्रॉफिट करोगे, फिर छोटा लॉस कर दोगे, तो आप रहोगे ब्रेक इवन पे, कभी प्रॉफिटेबल पे नहीं आ पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको डेली तो वैसे 3 से 4 लॉट में ही ट्रेड करना है, लेकिन किसी दिन अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप उस दिन अपना लॉट साइज को बढ़ा सकते हो, ठीक है। मैक्स 50% है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 50% ही कैपिटल यूज़ करना है, आप 20-30% से ज़्यादा अपना कैपिटल मत यूज़ करो, तो आपके लिए भी बढ़िया रहेगा, आपकी मेंटल हेल्थ भी बढ़िया रहेगी। दूसरा पॉइंट है कि आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पे ही ट्रेड करना है, कम से कम 25 ट्रेड। आप बिगिनर हो, आप इंटरमीडिएट हो, कुछ भी हो, आपने मेरी वीडियो देखी है अभी, अब आपको ट्रेड करने का अच्छा कहा, तो आपके पास जो भी एक स्ट्रैटेजी है, आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मैंने 2 स्ट्रैटेजी के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, कम से कम मैंने महीना भर उस पर बैक टेस्ट किया है, अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें मिला हुआ है, तो उसका जो वीडियो है मैं आपको आई कार्ड पर डाल दूंगा, जाकर दोनों वीडियो देख लो। दोनों वीडियो देखना है आप सभी को, दोनों में से जो आपको समझ में आए, उसके बाद जो आपको, जो आपके नेचर के हिसाब से लगे। देखिए, अगर आपका नेचर इंडिकेटर वाला है, आप इंडिकेटर वाला स्ट्रेटजी यूज़ करना, अगर आपका नेचर प्राइस एक्शन वाला है, तो आप प्राइस एक्शन वाला जो स्ट्रेटजी है उसको यूज़ करना। देखो, मेरे, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपको अपने नेचर के हिसाब से स्ट्रेटजी चूज़ करनी चाहिए। मैं खुद का बताऊँ तो मुझे ज़्यादातर प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस जो स्ट्रेटजी है वो अच्छी लगती है, इसलिए मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड लेता हूँ और मुझे उसमें प्रॉफिट भी होता है। तीसरा है मिनिमम जो रिस्क रिवार्ड होगा आपका 1:2 होगा। 1:2 का रिस्क रिवार्ड का मतलब है कि आपने एक ट्रेड लिया, उसमें आपने ऐसा रखा 40 पॉइंट का, और आपने जो प्रॉफिट बुक किया तो 40 पॉइंट का ही बुक किया, तो उसको 1:1 रिस्क रिवार्ड कहा जाएगा। लेकिन जब आपने 40 रुपये का रिस्क लेकर 80 पॉइंट का रिवार्ड लिया, 80 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया, तो इसको 1:2 कहेंगे। बहुत सारे लोग 1:3 1:4 भी बुक करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक बिगनर के लिए और एक इंटरमीडिएट के लिए भी 1:2 रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया है, और इसमें जो मेंटल हेल्थ रहता है वो भी अच्छा रहता है, क्योंकि 1:3-4 के लिए हमें काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है, और ज़्यादातर चांसेस में ये होता है कि अगर हमारा एसएल छोटा है, लेट सपोज हम 15-20 पॉइंट का एसएल लग के 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तब तो वो हमारे लिए 1:4-1:5 होगा। लेकिन जहाँ पर अपना रिस्क 30-40 पॉइंट का रहते हैं, वहाँ पर 1:3 का रिवॉर्ड का मतलब होता है कि हमें 120-130 पॉइंट कवर करने होंगे, जो कि हर वक्त आसान नहीं होता ऑप्शन बाइंग में, ठीक है।
तो आप जैसे 40 मिनट का ऐसा लग रहे हो, 50 मिनट का ऐसा लग रहे हो, तो आप 90, 100, 110 तक का वेट कर सकते हो। 1:2 रिस्पॉन्स को कहते हैं। तो बस 1:2 का अगर आप रिस्क रिवार्ड मेंटेन रखते हो तो आपका अगर स्ट्रेटेजी 50%, वैसे जो मेरा मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई है वो 70-80% प्रॉफिटेबल है, लेकिन सकता है आपने कुछ मिस्टेक कर लिया या साइकोलॉजी लेवल पर कुछ गलतियाँ हो गई जिसकी वजह से आपका लॉस हो गया और आप 50% भी लॉस एंड प्रॉफिट में रहते हो तभी आप प्रॉफिटेबल में रहोगे, क्योंकि आपने 1:2 का जो प्रॉफिट है वो बुक किया होगा, ठीक है। और हाँ, चौथा पॉइंट है कि आपको दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड से ज़्यादा दिन पर नहीं ले सकते। वो भी इसमें फिफ्थ पॉइंट भी आता है कि आपको 1 ट्रेड के बीच में थोड़ा टाइम डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होगा। जैसे कि 9:15 मार्केट ओपन हुआ, आपने 10 बजे तक ट्रेड ले लिया, आपका प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया जो भी हुआ, आपने उसके तुरंत बाद आपने ट्रेड लिया कि हाँ एक सेटअप दिख रहा है अगर फिर से ट्रेड लेते, नहीं, आपने ट्रेड लिया आपका प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस हुआ, उसके अगले ही कैंडल या 5-10 मिनट बाद आपको एक फिर से वही बनता सेटअप दिख रहा है, नहीं ट्रेड करना है आपको, फिर कम से कम 1 घंटे का टाइम डिस्टेंस रखना है। क्या होता है ना, जब हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हम चाहे इतना ही अपने आप को मशीन की तरह बिहेव करवाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। हम इंसान हैं, हमारे पे इमोशन आ ही जाता है, अगर प्रॉफिट होगा तो वो इमोशन आ जाएगा, अगर लॉस होगा तो वो इमोशन आ जाएगा। और जैसे ही इमोशन आया और आप इमोशन पे आके कोई सेटअप आपको दिख गया तो ट्रेड लीजिए, ज़्यादातर चांस है कि आपको लॉस हो सकता है। और अगर प्रॉफिट हो गया तो भाई साहब वो आपका एक तरह से अहंकार बन जाएगा, ईगो बन जाएगा, आप नेक्स्ट डे आओगे फिर से वही गलती करोगे और इस दिन होता है आपका बड़ा लॉस हो जाए। तो ये गलती नहीं करना, आपको टाइम डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। और लास्ट पॉइंट है कि अगर आप प्रॉफिट हो रहे हो 1 हफ्ते में तो उसको विड्रॉ कर लेना है। देखो अब पैसा क्यों कमा रहे हो, आप ट्रेडिंग क्यों करने आए हो, इसीलिए ना कि आपका प्रॉफिट हो और आप उस प्रॉफिट को अपने अकाउंट में लेके आओ। तो आपका जब 1 हफ्ते में प्रॉफिट हो गया तो उसको आप क्यों डबल ट्रिपल करने में लगे हुए हो कि हाँ 50,000 से 60,000 हो गया, अब इसको हम 1 लाख तक लेके जाएंगे, हाँ 1 लाख तक लेके जाओ, जो 10,000 का प्रॉफिट हुआ है उसको अपने अकाउंट में विड्रॉ कर लो, फिर उस 50,000 से प्रॉफिट करना 10,000, फिर 10,000 को विड्रॉ कर लेना। ऐसे 5 बार जैसे आप 5 हफ्ता आपने 10,000 प्रॉफिट किया, आपका हो गया 50,000, आपका डबल हो गया। लेकिन आप उसी ब्रोकर में रख के जब आप कैपिटल को ग्रो करने लगोगे ना तो आपके वो सर चढ़ जाएगा और आप फिर और बड़े बड़े प्रॉफिट देखना चाहोगे, जिसकी वजह से आप बड़े बड़े लॉट को बाय करोगे, जिसकी वजह से आपका बड़ा बड़ा लॉस होगा और फिर वो आपके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करेगा। जो मैंने चाहता अभी के लिए आपको करें, जब आप ट्रेन हो जाओ थोड़ा सा 2-3 महीने 4 महीने से हो जाए करते करते, तो आपकी आदत पड़ जाएगी, आपका जो मेंटल हेल्थ है वो स्ट्रांग हो जाएगा, उसके बाद आप चाहे विड्रॉ करो चाहे ना करो, लेकिन अभी के लिए। और वैसे भी आप बड़ा कैप प्रॉफिट भी बुक कर रहे हो तो भाई बुक इसीलिए तो कर रहे हो कि आपके अकाउंट में है, तो जैसे ही आपका हफ्ते में प्रॉफिट होता है या 15 दिन में होता है आप उसको अपने अकाउंट में विड्रॉ कर लो, ठीक है। आपको एक सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और एक खुशी भी महसूस होगी, आप कमा रहे हो तो उसको खर्च वगैरह भी करो, ठीक है। फिर ब्रोकर में रख के क्या करना है, बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके पास कितना कैपिटल है आपके हिसाब से मैं कैसे बताऊँ, आपका हो सकता है 40,000 कैपिटल हो, 60,000 कैपिटल हो, जो भी आपका कैपिटल है कमेंट में बता देना, जो वीडियो है नेक्स्ट आ जाएगी, ठीक है। मिलता हूँ शुरू पर।